ओप्पो, रियलमी, सैमसंग, शाओमी, रेडमी, पोको, यदि आपके पास इन स्मार्टफोन कंपनियों के मॉडल हैं और आपका स्मार्टफोन सेम इस तरह से पासवर्ड, पिन, पैटर्न लॉक लग गया है, ये वीडियो आपको आपके स्मार्टफोन को अनलॉक करने में बहुत मदद कर सकती है, बशर्ते कि आपने इस वीडियो को प्रॉपर और पूरा देखा हो और इसमें बताए गए स्टेप्स को यदि आपने कम्प्लीटली अपने स्मार्टफोन में अप्लाई किया, आपका स्मार्टफोन कुछ ही मिनटों में अनलॉक होगा, आपके हाथ में होगा, बिना कंप्यूटर के होगा और बिना किसी डेटा लॉस्ट के होगा। तो इस वीडियो को, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूरा देखिएगा, तभी आप इस वीडियो में बताए गए स्टेप्स को सीखने के बाद अपने स्मार्टफोन को आप अनलॉक कर पाइएगा, वो भी बिना एनी डेटा लॉसेस। तो चलिए आज के इस वीडियो को यहीं पे शुरू करते हैं, जहां पे मैं अपने 5 साल के सर्विस सेंटर के एक्सपीरियंस को आपके साथ साझा करूंगा और आपको बताऊंगा आप अपने स्मार्टफोन को किस तरह से अनलॉक कर सकते हैं विद इन अ मिनट। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो को यहीं पे शुरू करते हैं। तो जैसा कि गाइस आप देख सकते हैं, हमारे पास जो स्मार्टफोन है वो एक ओप्पो का है, एक रियलमी का है, लेकिन सेम मेथड आपका Xiaomi, Redmi, Poco, Samsung, Vivo और बहुत सारे जो भी Android स्मार्टफोन मार्केट में हैं, उन सारे स्मार्टफोन में सेम एज इट इज़ ये वर्क करेगा। तो आप इस मेथड को किसी भी स्मार्टफोन जो कि Android होना चाहिए, आप अप्लाई करके ट्राई कर सकते हो। तो बात करते हैं आप मोबाइल को किस तरह से अनलॉक करेंगे। तो एक को मैं यहाँ पे साइड कर देता हूँ, क्योंकि सारे जो मेथड है वो सारे स्मार्टफोन में काम करता है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहूँगा कि जब भी आपका स्मार्टफोन लॉक होता है, जहाँ पे आप अपने पासवर्ड को इंटर करते हो, वहाँ पे यदि आप ध्यान से देखोगे तो आपको यहाँ पे नीचे में एक दिखेगा इमरजेंसी कॉल, जो आप यहाँ पे देख रहे हो। तो हमें इसे ही यहाँ पे सेलेक्ट करके ओपन कर लेना है। यहाँ पे आप चले आओगे इमरजेंसी कॉल्स ओनली के पेज पे। इसके बाद गाइज आपको यहाँ पे एक नंबर डायल करना है, जो है *008*01215*#, और इसे कहते हैं ऑफलाइन मोड का कोड। और आपको इसी नंबर पे यहाँ पे 3 times इस पे कॉल करना है। जैसे ही आप यहाँ पे डायल करते हो, आपको यहाँ पे कॉल फेल्ड का मैसेज आएगा, आपको इसे बेझिझक इसे ओके कर देना है। इसे आपको 3 times इस प्रोसेस को कर लेना है। जो नेक्स्ट स्टेप होगा, आपको इस नंबर को यहाँ से हटाना है, क्योंकि अभी आपका ऑफलाइन का जो कोड है वो एक्टिवेट हो चुका है। अब आपको यहाँ पे एक नया कोड का इस्तेमाल करना, जो है *#899#। जैसे आपने ये कोड डाला, आपके स्मार्टफोन में ऑटोमेटिकली इंजीनियर मोड आ जाएगा और आप इसका ही इस्तेमाल करेंगे अपने हैंडसेट को अनलॉक करने के लिए। बशर्ते आप यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन को देख रहे होंगे। यहाँ पे आपको आपके स्मार्टफोन को रिपेयर करने का जो काम होता है, उसे सर्विस सेंटर में इसका ही इस्तेमाल किया जाता है, जब हम कंप्यूटर का इस्तेमाल नहीं कर रहे होते हैं। फिलहाल इस वीडियो में सिर्फ आपको हम इतना ही बताएंगे कि आप अपने स्मार्टफोन को इस इंजीनियर मोड्स के हेल्प से कैसे अनलॉक करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों, आपको यहाँ पे मैं एक ऑप्शन का नाम बता रहा हूँ, वहाँ चले जाना है। आप यहाँ पे देख सकते हो नंबर 4 पे एक मैसेज मैनुअल टेस्ट, आपको इसे यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले लास्ट वाले पेज पे जाना है, जो कि अदर का पेज है। यहाँ पे आपको सबसे इंपॉर्टेंट काम करना है, डेटाबेस वर्जन जो आप यहाँ पे नंबर 4 पे देख रहे हैं, इसमें जो वर्जन दिखा रहा है आप इसे क्रॉस चेक कर लो और इसी नंबर को अपने एंड्रॉयड स्मार्टफोन में चेक करो। यदि आपका भी सेम वर्जन दिखा रहा होगा तो मतलब आपका जो हैंडसेट है वो लेटेस्ट पैच वॉल पे अपडेटेड है और आपका जो स्मार्टफोन है वो इसके थ्रू अनलॉक होगा। लेकिन इनकेस यदि आपका पुराना है, अलग है, तो आपको पहले अपने लेटेस्ट वर्जन को, जो है जो आप यहाँ पर डेटाबेस वर्जन देख रहे हैं, इसे आपको पहले अपडेट करने की ज़रूरत होगी। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर ये है, मार्केट में कम से कम दोस्तों 2500 टाइप के, यानी कि 2500 टाइप्स के आपको वर्जन देखने को मिलते हैं और उन सारे वर्जनों में आपको जो मेथड है अलग अलग उसे चेंज करने का, वो अलग अलग होता है। तो मुझे नहीं पता कि आपके पास कौन सा वर्जन दिखा रहा है। तो आप एक काम कर सकते हो, यदि आपका सेम है तो आप इस मतलब मेथड को अप्लाई कर सकते हो, लेकिन यदि आपका अलग है तो उस केस में आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, कमेंट करो, बताओ कि आपके पास कौन सा एंड्रॉयड स्मार्टफोन है और आपका डेटाबेस वर्जन क्या है। तो हमारी जो टीम है आपको आधे घंटे के अंदर आपका जो अपडेट अपडेट करने वाला कोड है वो आपको कमेंट में दे देगी और उसका आप इस्तेमाल कर सकते हो अपने वर्जन को अपडेट करने के लिए। फिलहाल अभी आपको मान के चलना है कि आपका भी सेम है तो आपको उस केस में क्या करना चाहिए। तो आप यहाँ पे जो डेटाबेस वर्जन देख रहे हो, इसमें आपको यहाँ पे 7 times क्लिक करना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब इसके बाद आपको ऊपर में एक ऑप्शन दिख रहा होगा, रीड राइट इंपॉर्टेंट लॉक टेस्ट, आपको इसे सिलेक्ट करना है। और यहाँ पे आपको इसे पहली बार में तो कंफर्म नहीं करना है, इसे कैंसिल करना है। दूसरी बार फिर से इसे क्लिक करना है, दूसरी बार भी इसे कैंसिल करना है, तीसरी बार में आपको इसे ओके कर देना है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका रॉन्ग पासवर्ड जो है वो डिटेक्ट हो चुका है। अब हमें यहाँ पे पहले वाले पेज पे जाना है, जिसका नाम है डिवाइस डबिंग, और यहाँ पे आपको आपका मेन काम आपको करना है, सॉरी ये तो मीडिया डबिंग है, आपको डिवाइस डबिंग में जाना है।
तो यहाँ पे आने के बाद आपको सबसे पहले चले जाना है नीचे सेंसर सेल्फ टेस्ट एंड कैलिब्रेशन में। यहाँ आपको इसे सिलेक्ट करना है और जो दो ऑपरेशन आप यहाँ पे देख रहे हैं नॉट स्टार्टेड, आपको इन दोनों को स्टार्ट करना है। कम से कम एक आपका पास आना चाहिए, मिनिमम आपका एक पास हो जाना चाहिए, बाकी आपका फेल हो या ना हो उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो आप यहाँ देख सकते हैं आपका एक पास हो चुका है। अब आपको बैक होना है और यहाँ पे आपको हल्का सा नीचे जाना है जहाँ पे आपको एम सेंसर ऑटो टेस्ट देखने को मिल रहा है, आपको इसे सिलेक्ट करना है और यहाँ पे ये टेस्ट सक्सेसफुल हो गया है। बैक करके जस्ट उसके ऊपर जो एम सेंसर है इसे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको 3 सेकंड तक होल्ड करना है। और इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे करना क्या है कि सीधे आपको यहाँ पे होम बटन को क्लिक करना है, आपका स्मार्टफोन सक्सेसफुली अनलॉक हो जाएगा रिगार्डिंग आपका यदि कोई भी पिन पैटर्न पासवर्ड लग गया होगा। तो यदि आपका स्मार्टफोन अनलॉक नहीं हुआ है अभी तक, चैनल को सब्सक्राइब करिए और आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ पे हमारी टीम आपका इंतजार करती है। जैसे ही आप हमें ज्वाइन करते हैं हमारी टीम की तरफ से आपको एक वीडियो कॉल जाता है, कमेंट में अपना नंबर जरूर देना, आपको व्हाट्सअप कॉल पे हम वीडियो कॉल करते हैं और आपके हैंडसेट को लाइव 2 से 3 मिनटों में अनलॉक करके आपको दे देते हैं। तो इसके लिए आप हमें ज्वाइन जरूर करें।